कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के नाकों पर किसानों का आज 24वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों की तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन के लिए डटे हुए हैं। केंद्र की मोदी सरकार का कहना है कि वह वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और उसके बाद ही बातचीत मुमकिन है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे बीरेंद्र सिंह किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वे सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसानों के समर्थन में जरूर हैं। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि जब हम पैदा हुए थे तब किसान के बेटे होकर पैदा हुए थे, अब पढ़ लिखकर राजनीति में आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पृष्ठभूमि को भूल जाएं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को किसानों के साथ हठधर्मी वाला नहीं बल्कि सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर एक बुकलेट शेयर की है जिसमें कृषि कानूनों के बारे में बताया गया। पीएम मोदी ने इसे पढ़ने और साझा करने की अपील की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि नया साल आने से पहले सरकार रूठी किसानों को मना लेगी और आंदोलन को खत्म कराएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो कृषि कानून में सुधार की वकालत करती थी, आज जब वे सुधार लागू हो गए तो कांग्रेस यू टर्न ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता में हैं। बंगाल में सियासी उठापटक के बीच शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचे और यहां पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पूजा अर्चना की। गृह मंत्री आज दोपहर का भोजन एक किसान के घर में करेंगे और फिर मिदनापुर के कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज एनआईए के अधिकारियों संग बैठक करेंगे। इसके अलावा वह राज्य के भाजपा नेताओं के संग संगठन का जायजा भी लेंगे। आज टीएमसी के पूर्व विधायक शुभेंद्र अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुभेंद्र के साथ ही कई और विधायकों के भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। अमित शाह के दौरे के बीच तृणमूल कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी के विधायक बनासरी मैती ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं जितेंद्र तिवारी ने माफी मांगकर पार्टी में वापसी कर ली है। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि मैं टीएमसी के साथ हूं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी मांगूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आज बैठक बुलाई है। इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर लगाम लगाने और पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने सीनियर नेताओं की एक बैठक बुलाई है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट के जरिए सोनिया गांधी को वो दौर याद दिलाया जब उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी त्यागी थी। शिवानंद तिवारी ने पोस्ट के जरिए सोनिया से कहा कि आज उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पुत्र मोह त्याग कर देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए कदम बढ़ाइए। राहुल गांधी को लेकर शिवानंद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी अनिच्छुक राजनेता हैं और यह स्पष्ट हो चुका है कि राहुल में लोगों को उत्साहित करने की क्षमता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर इन दिनों यूपी के सियासत के नए खिलाड़ियों को गोल बंद करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मुलाकात की। इस दौरान यूपी के चुनाव के संभावित समीकरणों और चुनावी संभावनाओं पर विचार किया गया। हालांकि दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए आज 8वें और अंतिम चरण में 28 सीटों के लिए मतदान जारी है। आज डीडीसी मतदान में कुल 28 सीटों में से कश्मीर संभाग से 13 और जम्मू से 15 सीटें हैं। अंतिम चरण में 168 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारत में कोरोना संक्रमित का कुल आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया। इसी बीच राहत की खबर यह है कि देश में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। पिछले 24 घंटे में 25,153 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 300 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया।
सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना वैक्सीन को बिहार में पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की तर्ज पर ही लोगों को उपलब्ध कराया जाए। लखनऊ पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे के फरार भाई दीप प्रकाश दुबे के मकान की कुर्की की है और 50,000 का इनामी दीप प्रकाश दुबे उर्फ दीपू काफी समय से फरार है। गुजरात के जामनगर में कस्टम डिपार्टमेंट के कार्यालय से 1,10,00,000 रुपए का सोना गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। इस मामले में पुलिस ने कस्टम डिपार्टमेंट के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिन्होंने शुरुआत में इस मामले में 4 साल की लंबी आंतरिक जांच की थी। यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती रात एक डंपर ने यूपी रोडवेज की यात्रियों से भरी बस में टक्कर मार दी। हादसे में 14 यात्री घायल हो गए। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर परिसर के डेवलपमेंट प्लान के तहत हो रही खुदाई में अति प्राचीन दीवार के अवशेष मिले हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के अधिकतर शहर शीतलहर की चपेट में है। यहां ज्यादातर हिस्सों में औसत न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर और गुलमर्ग समेत कश्मीर घाटी के कई शहरों में रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया और 21 और 22 दिसंबर को घाटी में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा। दिसंबर के आखिर तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 24 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर बढ़ सकती है। अमृतसर में पारा 0.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दतिया में तो न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह तक ऐसी ही ठंड की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। हालांकि एक हफ्ते बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य जोन ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्टेशन के बिक्काबोलू स्टेशन पर पहली लंबी लूप लाइन चालू की है। ये लाइन व्यस्त विजयवाड़ा विशाखापट्टनम वाले रूट पर है और भारतीय रेलवे ने ट्रैफिक को कम करने के लिए इस योजना की पहल की है। श्री मुक्तसर साहिब में फाइनेंसर रणजीत सिंह राणा का गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। राणा अपनी पत्नी को दवाई दिलवाने के लिए गांव में आया था। बीजापुर के जंगल में माओवादियों कैंप ध्वज हुआ। माओवादी कैंप से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और दैनिक सामग्री बरामद किए गए। हमीरपुर में बार काउंसिल के सदस्य रोहित कुमार शर्मा ने अधिवक्ता राजेंद्र हांडा की कोविड सेंटर में रहस्यमयी मौत के ऊपर सवाल खड़े किए। झज्जर में जिला सिविल सर्जन के ने टीकरी बॉर्डर किसान आंदोलन में अब तक 6 किसानों की जान जाने की पुष्टि की। जिला स्वास्थ्य विभाग ने किसानों से ठंड से बचने की अपील की। और इसी के साथ टीकरी बॉर्डर पर पंजाब के कबड्डी खिलाड़ियों ने किसानों को वॉशिंग मशीन दी। युवा किसान मिलकर बुजुर्गों के कपड़े धोते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों के नाम लिखी गई चिट्ठी को किसान संगठन ने भ्रमित करने वाला बताया। कहा कि चिट्ठी में किसानों के हक की बात नहीं है। हरियाणा में SYL के पानी को लेकर अब प्रदेश में मांग उठने लगी, जिस पर बीजेपी के कार्यकर्ता उपवास पर बैठेंगे। दिनेशपुर में औषधि निरीक्षक और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक परचून की दुकान पर छापेमारी कार्रवाई की और भारी मात्रा में नशे के कैप्सूल बरामद किए। देवरिया में ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोई जांच नहीं हुई। हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि नगर निकाय और पंचायती चुनाव में अपनी हार को सामने देख कांग्रेस बौखलाई हुई है।
हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि विपक्ष किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। सीतापुर में लाखों की लागत से बनाए जाने वाले सामुदायिक शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव सरकारी धन का बंदरबांट कर रहे हैं। जोधपुर में आबकारी विभाग की टीम ने एक घर में दबिश देकर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की और मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 335 पेटी अवैध शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। बटाला में कैबिनेट मंत्री बाजवा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को कृषि कानून वापस लेकर किसानों का आंदोलन खत्म करवाना चाहिए। बल्लारी में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने धिंगालश्वर स्वामी जी से मुलाकात की और इसी के साथ मंदिर में चांदी का हेलीकॉप्टर भेंट चढ़ा दिया। बीजेपी नेता के जालंधर पहुंचने की भनक लगते ही किसानों ने बीजेपी नेता को रोकने के लिए प्रदर्शन किया। बद्दी के बाल्द नदी में 15 दिसंबर को हादसे का शिकार हुए प्रवासी युवक का शव नदी से बरामद हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार का सभी वर्गों के उत्थान और विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। पालमपुर में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने लोगों को गीला कूड़ा अलग अलग करने की भी जानकारी दी। जसवंतपुरा तक जाने वाले टोल रोड के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद टोल प्लाजा पर रुपए लेने का एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है। पाली में सीमेंट के कट्टों से लदे एक ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। जोधपुर में पुलिस अधीक्षक के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ऑनलाइन रुपए मांगकर धोखाधड़ी करने का शातिर अपराधी गिरफ्तार हो गया है। सूरजपुर में जनपद सीओ पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पंचायत के अध्यक्ष थाने के सामने धरने पर बैठे और जनप्रतिनिधियों के समझाने पर उन्होंने धरना खत्म किया। जौनपुर के अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा दोनों की मौत का मामला सामने आया। इस दौरान अस्पताल में तोड़फोड़ हुई। वहीं अथरी में चोरों ने दो मंदिर और छह घरों के ताले तोड़कर 8 जगहों पर चोरी की, जिस वजह से लोगों में डर का माहौल छाया हुआ है। बीदर में एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने गोवा राज्य में गो मांस सप्लाई बंद करने को कहा। बीजेपी सरकार को चैलेंज दिया कि अगर इतनी हिम्मत है तो अपने राज्य में गो मांस खाने पर रोक लगाएं। चामराजनगर में किसान मोर्चा के नेता ने एक संगठन के व्यक्ति को चेतावनी दी है और दरअसल युवक ने राज्य किसान संगठन के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर विवादित टिप्पणी की थी। AWHC का 300 करोड़ रुपए का IPO 21 दिसंबर निवेश के लिए खुलेगा और इसके लिए प्राइस बैंड 313 से 315 रुपए प्रति शेयर तक तय किया गया है। डाइनआउट कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 10 लाख लोगों को रोजगार देगी। विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के डाटा में हुई गलती को सुधार लिया है और इस सुधार में भारत की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि टेक्सटाइल मंत्रालय ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है जिससे टेक्सटाइल और मैनमेड फाइबर सेगमेंट को इंसेंटिव दिया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर नए नजरिए की जरूरत होगी। उन्होंने पहले से बिल्कुल अलग बजट का वादा किया है। आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया। साथ ही आरबीआई ने कहा कि ईओआई के जवाब में उसे 4 प्रस्ताव मिले हैं। आईकेईए भारत में 10,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें से सिर्फ मुंबई में ही 600 करोड़ रुपए लगाएगी। प्राइवेट कंपनी विस्तारा एयरलाइन ने कहा है कि यात्री अब सीधे गूगल सर्च पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। ट्विटर ने 20 जनवरी से अकाउंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की घोषणा की है और अब यूजर अकाउंट में नीले रंग का वेरिफाइड बैज लगाया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके पार्टनर ब्रिटेन की बीपी ने एशिया के सबसे गहरे तेल कुएं से प्राकृतिक गैस निकालने की शुरुआत होने का ऐलान किया। अमेरिका ने मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि जल्द ही इसका वितरण शुरू किया जाएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कोरोना वायरस के टीके की खुराक ली, जिसका टीवी पर सीधा प्रसारण भी किया गया। विश्व में कोरोना संक्रमित की संख्या 7,54,000 के पार हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 16,71,000 से ज्यादा है। WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं है जो कोरोना वायरस को तुरंत खत्म कर दे। दुनिया में इस महामारी का प्रकोप लंबे समय तक बना रहेगा। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में 27 दिसंबर से कोरोना टीकाकरण शुरू होगा। फाइजर की वैक्सीन को इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। हमारे पास इसके सबूत भी हैं। देश की इंटेलिजेंस को इस बारे में जानकारी मिली है। सोमालिया के गलकायो में हुए आत्मघाती हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और साथ ही बता दें कि अल शबाब जिहादी विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका ने चीन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों चीनी कंपनियों को ट्रेड ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ईरान ने रूस और चीन के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। ईरान का कहना है कि अमेरिका कितनी भी ताकत लगा ले, हमारे सैन्य संबंध रूस के साथ बने रहेंगे। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जाबाजों को नया नाम दिया। स्पेस फोर्स ने कहा कि उसके जवान अब गार्जियंस के नाम से जाने जाएंगे। किसानों के समर्थन में स्वरा भास्कर सिंघू बॉर्डर पहुंची, बोली मेरा रोटी से नाता है इसलिए मेरा किसानों से भी नाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे रेमो डिसूजा का स्वागत हुआ। 1 हफ्ते पहले हार्ट अटैक के बाद सर्जरी हुई थी। कंगना के खिलाफ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर पटना कोर्ट में केस दायर किया गया है। दिव्या भटनागर की मौत के बाद से ही पति गगन पर देवोलीना भड़क रही थी और बोली कि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक उसे जेल नहीं पहुंचा देती। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को पेटा इंडिया ने 2020 के लिए हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी के तौर पर चुना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट गंवाए। पृथ्वी शॉ दोनों पारियों में इन स्विंग पर बोल्ड हुए थे, जिसमें सोशल मीडिया यूजर्स बोले उनसे बेहतर तो बुमराह हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान टीम को पहले T20 में हार का सामना करना पड़ा। 3 T20 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने 1-0 की बढ़त ले ली है।
वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु 9 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में वापसी करेंगी। अगले साल वर्ल्ड टूर फाइनल से पहले एशियन ओपन की दोनों प्रतियोगिता में भाग लेंगी। भारतीय क्लब पुणे डेविल्स के लिए पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर खेलेंगे, 24 घंटे पहले ही संन्यास लिया था। तो इसी के साथ टॉप 100 खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।